हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग NRTS के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन है तो आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए देख लेता हूं नोटिफिकेशन, तो जुड़े रहें हमसे। देखिए, यहां पे नोटिफिकेशन में क्या है इम्पोर्टेंट। इनरोलमेंट एजेंसी MS फिनो पे टेक विल विजिट द CSC PSC एंड द हॉस्पिटल बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट फॉर इनरोलिंग नर्सेज डाटा। दोस्तों, अभी जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होगा इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में NRTS में, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम में, तो इसमें किसके द्वारा, ये जो फियानो कंपनी है दोस्तों, फियानो पे कंपनी टेक है, इसके द्वारा किया जाएगा। उसमें CSC में भी होगा, PSC में भी होगा, और उसके अलावा बोथ पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इनरोलमेंट डाटा किया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नर्सेज हु हैव इनरोल्ड देमसेल्फ थ्रू द इंटरनेट एंड वेबसाइट इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग GOV.in के द्वारा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, विजिट रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग एंड आपका आधार आइडेंटिफिकेशन के लिए, बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ेगा। उनका फियोनो पेटिक विल नॉट बी देयर, आधार बेस ऑथेंटिकेशन फियोनो नहीं करेगी। तो दोस्तों, इसके लिए दूसरा, जो आप यदि स्टेट काउंसलिंग में जाएंगे तो उसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना रहेगा। चलिए उसका भी दिखा। देखिए, यहाँ पे दे रखा है, अटेंशन ऑफ सेल्फ इनरोल्ड नर्सेस दोज हु हैव नॉट सबमिटेड प्रायोरिटी इन NRTS। तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो उन लोगों को क्या करना रहेगा, जब आप नर्सिंग काउंसलिंग में जाएंगे अपने स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना रहेगा बायोमेट्रिक फ़ोटो कैप्चरिंग के लिए दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे दे रखा, देखिए, टू आइदर इनरोल रिफ्रेश NRTS आफ्टर गो टू द रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग प्रियर अपॉइंटमेंट। ये देखिए दोस्तों, प्रियॉरिटी अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपको सब अक्षरों में बताया गया है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप अपने स्टेट काउंसलिंग जाते हैं उससे पहले अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन नंबर या जो भी ईमेल से आप कांटेक्ट करें, उसके बाद ही जाएं। और नहीं तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, गो टू द नियरेस्ट इनरोल NRTS। ये NRTS दोस्तों, नियरेस्ट मतलब अभी हो सकता है आपके एरिया में खुलने वाला हो, आपके स्टेट में या तो आपके डिस्ट्रिक्ट में खुलने वाला हो, तो इसका नोटिफिकेशन देखते रहें। और मेरे पास भी यदि इस प्रकार से कोई नोटिफिकेशन आता दोस्तों, मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। और उसके अलावा देख लेते हैं, चलिए इसका नोटिस बोर्ड में भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन वाला पेज है। न्यू यूजर के लिए यदि आपको ID और पासवर्ड बनना है तो आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट, और यदि आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। चलिए आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। देखिए, आपके सामने ये पेज आ गया है, ओपन हो रहा है दोस्तों। नेट चल रहा थोड़ा से धीरे धीरे, एक सेकंड। ये देखिए, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो गया है। लेकिन यदि आप, जैसे पहले होता था कि आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते थे तो पेज खुल जाता था, लेकिन अब नहीं खुल रहा। क्या लिख रहा आ रहा है देखिए आपके सामने, एज ए रिगार्ड न्यूली क्वालिफाइड पर्सन विथ ए प्रिस्क्राइबेड रिकोगनाइज नर्सिंग क्वालिफिकेशन, द रजिस्ट्रेशन शैल बी डन बाई द कंसर्न SNRC और द NRTS प्लेटफॉर्म। अब दोस्तों, ये जो नया रजिस्ट्रेशन होगा सभी लोगों का, उनका क्या होगा, ये इसका नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के द्वारा, या तो आपके स्टेट काउंसलिंग में जाना पड़ेगा दोस्तों इसको रजिस्ट्रेशन शुरू से करने के लिए। जिन लोगों ने पहले से कर लिया है उनको सिर्फ अपना आधार को बायोमेट्रिक कराने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उनको लिए अब नया शुरू से पूरा वहां जाके ही कराना पड़ेगा, या तो फिर आपके आसपास सेंटर हो सकता है खुलने वाला हो जल्दी ही, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में, कोरोना के ख़त्म होने के बाद में दोस्तों। और उसके अलावा देख लेते हैं और कुछ चीज़ें दोस्तों, तो चलिए आपको दिखा देता हूं। अब इसी पेज में देखिए, नोटिस बोर्ड में यहाँ न्यू यूजर प्रायोरिटी चेंज स्टेट वेरीफिकेशन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। लेकिन अब अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन में जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये ओपन नहीं होता है, जो भी लिंक हो, या तो ये लिंक प्रॉपर बनी नहीं है या जो भी हो। जैसे, चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ।
जैसे क्लिक करता हूँ दोस्तों, देखिए आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आ जाता है। दिस सीनियरिटी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग पेज कैन नॉट बी फाउंड, मतलब ये पेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कोई भी अपन नोटिफिकेशन जितना भी आपको दिखा रहा था, कोई भी अपन टच करते हैं तो ओपन नहीं होता। तो हो सकता है दोस्तों इसमें अभी वर्क हो रहा हो, कुछ कार्य हो रहा है। यदि जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।